हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल इनो गार्डन्स में। मैं आरती, आज का वीडियो चलिए ले लेते हैं BSDLA 137 का। और यूनिट यहाँ पर हम टू लेंगे, उच्चरित और लिखित भाग और संप्रेषण के तत्व, और लेंगे सिर्फ और सिर्फ यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात, उच्चरित और लिखित भाषा क्या होती है, ठीक है, और इन भाषा की विशेषताएं, या तो उच्चरित भर का पूछ सकता है या लिखित भर का पूछ सकता है, ठीक है, राइट। और इन भाषा के प्रकार यानी कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो या तीन ही क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। तो देखिए, उच्चरित का मतलब क्या होता है, उच्चरित यानी बोल चाल, और बोल चाल का मतलब क्या होता है, जब हम बोल के अपने आचारों विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाती है, वो मौखिक भाषा हो जाती है, ठीक है ना। जब बोल कर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो मौखिक भाषा हो जाती है। तो मतलब उच्चरित का यहाँ पे मतलब हो जाता है मौखिक भाषा, और दूसरी जो होता है वो लिखित भाषा होती है, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ गया। अब देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम आप एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक बनने के लिए हमारे पास भाषा जो है एक माध्यम होती है, क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है ना, वो पशु के समान होता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम होता है, आप उसे जिस परिवेश में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण में जैसा ढालेंगे, बच्चा वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। सपोज दैट मोगली बच्चा था, उसको जंगल में छोड़ा गया तो बोलना भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, और वो उसी तरह से ढला जैसे वहां के जानवर रहते थे, ठीक है। और हम लोग अपने समाज में, अपने परिवार में, घर में पले बढ़े हैं, तो हम अपने समाज, अपने घर के परिवार के लोगों से सीखते हैं, अपनाते हैं उनकी संस्कृति को, उनके मूल को, ठीक है ना, इन सभी चीजों को। और जब इन चीजों को अपनाते हुए हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा मनुष्य का समाजीकरण होता है। समाजीकरण का मतलब ही होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो प्राणी के समान होता है, ठीक है ना, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती है, और जब वो अपने घर में, परिवार में रहते हुए सीखता है मूल्यों को, संस्कृत को, फिर अपने घर के बाहर निकलना सीखता है, घर के बाहर समाज से, पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है, वो बोलना सीखता है, बोलने के साथ में भाषा को अपनाता है, चारों विचारों प्रदान करता है, तब मनुष्य एक समाजीकरण बनता है, ठीक है। तो मनुष्य का क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो अपने परिवार और परिवेश और फिर व्यापक समाज में भाषा का प्रयोग करते हुए मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और इसी आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कहते हैं। तो मानव समाज में संप्रेषण का एक अनिवार्य घटक है, ठीक है, तत्व है। और इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब क्या है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और अपने विचारों को अव्यक्त करने में मनुष्य के पास सबसे सशक्त माध्यम है, और माध्यम क्या है, भाषा है, ठीक है। तो भाषा लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाती है, सहमत असहमत, विरोध, घृणा, प्रेम, सुख, दुख, सभी चीजें जो होती है हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और मनुष्य के पास संप्रेषण के लिए भाषा के दो रूप उपलब्ध होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए, यानी अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए सिर्फ दो रूप हैं। दो रूप क्या है, एक को हम भाषा का उच्चरित रूप कहते हैं यानी मौखिक रूप कहते हैं, और दूसरे को हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लिख कर कहते हैं। तो चलिए आइए फिर यहां पर देख लेते हैं कि उच्चरित और लिखित भाषा क्या होती है, ठीक है। ओके, उच्चरित और लिखित भाषा पर तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम सोचें तो दोनों के अंतर को हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उच्चरित भाषा यानी उच्चरित रूप से ही लिखित भाषा का विकास होता है। अब कैसे होता है, तो उच्चरित यानी जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो वो पहली चीज हो जाती है, बोलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और इनका प्रभाव हम हिंदी भाषा में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाषा या वाणी का सामाजिक संप्रेषण में प्रयोग केवल बोलने में ही नहीं, लिखने में भी प्रकट होता है, ठीक है ना। और बोलते समय अनेक प्रकार की शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं भी हम करते हैं, ठीक है। तो अपने आप में मौखिक यानी उच्चरित भाषा व्यवहार पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हमारी मुख मुद्रा, आंखों की भंगिमा तथा अंगों प्रत्यंगों का संचालन हमारे संप्रेषण में कितना सहायक होता है। जनरली कुछ लोगों को देखते हैं ना कि बात करते वक्त क्या करते हैं, हाथ को हिला हिला के बात करना, है ना, मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बात करना, तो बात करने से भी थोड़ा सा इससे भी पता चल जाता है, ठीक है ना। और इसके सहयोग के बिना
उच्चरित कथन सुनने वाले तक पूरी तरह संप्रेषणी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार लेखन में शब्दों का चयन, उनका संयोजन और उनके बीच विरामों की व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से नहीं होती, तब तक लिखित जो मंतव्य होता है, जो कथन होता है, जो हम कहना चाहते हैं, जो संप्रेषण होता है, वो स्पष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। तो दो चीजें इसमें हमने देख लिया, उच्चरित और लिखित भाषा में। अब उच्चरित भाषा को ले लेते हैं कि उच्चरित भाषा की प्रकृति क्या है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने यही कहा ना कि हम बोलकर अपनी बातों को या लिखकर अपनी बातों को, है ना, उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। और उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए जरूरी है कि सुनने वाला, श्रोता हमारे सामने हो। हम अपने विचार जिस किसको पहुंचाएंगे भाई, जो हमारे सामने होगा उसी को हम पहुंचाएंगे ना, जब हम बोल कर बोलेंगे। तो समाज में एक सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। यह तो अपने आप भी जानते हैं कि शिशु जन्म लेने से कुछ वर्षों बाद अपनी मातृभाषा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। और भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश, समाज में अर्जित कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और उच्चरित रूप का अर्जन मानव से अनुकरण के द्वारा करता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बोलना वगैरह कुछ नहीं सीखता, कुछ नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, घर में बोले जाने वाली भाषा को, घर में जो लोग जैसा बोलते हैं उस तरह से वो सीख जाता है, और उसको क्या करता है, अनुकरण करता है। और वह प्रयास करता है कि जिस तरह उसके संपर्क में आने वाले लोग बोलते हैं वह उसी तरह बोल सके, ठीक है ना। तो मनुष्य उच्चरित भाषा अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है, बोलने वाली भाषा। और उच्चरित भाषा रूप को सीखने की प्रक्रिया अनायास होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए, वह उसका बोलचाल का रूप सीख लेगी। चाहे आप तमिल फैमिली में रख दीजिए, या आप इस्लामिक फैमिली में रख दीजिए, कन्नड़ फैमिली में रख दीजिए, सिंधी में, किसी भी फैमिली में छोटे बच्चे को जन्म के बाद रख दीजिए, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वो रहेगा, वही भाषा सीखेगा, ठीक है। उच्चरित भाषा के प्रकृति और है कि उसके विविध रूप समाज में प्रचलित होते हैं। यानी कि हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में कितनी विविधताएं हैं। हिंदी भाषा एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय बोलियों का है, ठीक है। और हिंदी की बोलियों में हम ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं, जो हिंदी की बोली के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और इन बोलियों को बोलने वाले के हिंदी उच्चरित एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ता है, मतलब बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। और इसीलिए हम लोगों को उनके उच्चारण के आधार पर पहचान लेते हैं कि वो किस प्रांत, क्षेत्र या नगर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी तरह हिंदी का उच्चरित रूप भारतीय भाषाओं के मिश्रण से निर्मित होता दिखाई देता है। रसगुल्ला, हम बोलेंगे रसगुल्ला खाओगा तो समझ में आ जाएगा भैया ये तो बंगाली है। तो ये होता है पहचानने का तरीका, ठीक है ना। तो ओके, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि भाषा रूपों का नाम सुना होगा, ठीक है, ओके। तो उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम दिया गया है, जिसे वाक् यानी स्पीच बोलते हैं, और वाक् का तात्पर्य ही होता है कहना, ठीक है। तो अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है, और इसलिए अनेक विद्वान ये भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बोलने के लिए होता है, ठीक है, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां कहीं भी मानव समाज के समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो वो संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं, यानी मौखिक रूप का, बोलने का बरोबर, ठीक है। तो उच्चरित भाषा की प्रकृति में इस महत्वपूर्ण बात को देखते हुए उच्चरित भाषा का प्रयोग करके भाषा समुदाय के सदस्य बनते हैं। तो उच्चरित भाषा की प्रकृति आती है तो आपको यही लिखना होगा। फिर अभी लिखित भाषा वो सेम वैसे ही होगा जैसे हम लिख के बोलते हैं, हर एक चीज को, हर घटना को लिख के बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं लिखित भाषा को, ठीक है ना। पत्र के माध्यम से, अखबार हो, हम मैगजीन वगैरह भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आप नोट्स वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, लिखित भाषा ही तो होती है। तो उसके माध्यम से आप याद करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखित भाषा हो गई, हालांकि इसकी प्रकृति वगैरह इतनी आती नहीं है, ठीक है ना। इसमें लिखित भाषा और उच्चरित भाषा में भेद जरूर आता है, यानी इन दोनों में अंतर। तो देखिए, उच्चरित और लिखित भाषा में क्या भेद है, यानी क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इन दोनों के भाषिक रूपों को एक दूसरे से अलग करने वाले तत्वों को विद्वानों ने गंभीरता से देखा है। जैसा कि मैंने कहा ना कि एक दूसरे के सिक्के के एक दो पहलू हैं, ठीक है ना, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बोल चाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वनात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। पहला यहाँ पे अंतर निकल गया, ठीक है। कौन सा अंतर निकल गया, पहला कि बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वनात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, और जबकि लिखित भाषा में लेखमी यानी ग्राफेमिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो
बोलचाल की भाषा उच्चरित में धुनात्मक इकाइयां और लिखित में लेखमी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए धुनात्मक इकाइयां क्या कहलाती हैं। तो धुनात्मक इकाइयों के संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों, उच्चारण प्रयत्न मुखर विवर यानी जो ओरल कैविटी होती है, उच्चारण अवयवों के संचारण, वायु के दबाव और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। तो ये धुनात्मक इकाइयां होती, ठीक है ना। और जो बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है ना, वो भाषा या वाक्य उत्पादन वे वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है। उस समय अलग अलग उच्चारण स्थान पर वायु के निकलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिसे हम व्यंजन और स्वर के रूप में कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इनके आधार पर ही भाषा विज्ञान में स्वर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। और लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चरित ध्वनियों का लिखित चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दूसरा यहाँ से ले लेते हैं। धुनात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयव, उच्चारण प्रत्यय मुख विवर से होता है, और लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चरित ध्वनियों का लिखित चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं कि उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर मूलभूत है, यानी लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के अंतरों के बारीकी से अध्ययन करना हो तो किसी लिखित पाठ की तुलना अनौपचारिक बातचीत से की जा सकती है, ठीक है ना। एक अध्यापक लिखे हुए पाठों या पुस्तकों के आधार पर कक्षा में अध्यापन करता है, लेकिन पाठ की लिखित भाषा और अध्यापक की मौखिक भाषा एकदम भिन्न भिन्न होती है। सेम वैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें लिखा कुछ और होता है, लेकिन जब आप अपने जब हम आपको पढ़ाते हैं तो अपने वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपने वर्ड में बदलते हैं, तो वो अलग हो जाती है। जो भाषा यहाँ पे लिखी हुई है वो कुछ और है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं मौखिक वो कुछ और है। और यदि आप इसी तरह से किसी व्यक्ति का भाषा भाषण रेखांकित करें और फिर उसका लिप्यंकन करें तो आपको बहुत कठिनाई होगी। यही कारण है कि बोलते समय भाषा की संरचना भिन्न होती है, ठीक है। ओके सॉरी, उच्चरित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में मिलता है, यानी भाषा के विकास के समय उच्चरित रूप की प्रधानता रहती है, जो कि लेखन निर्धारण को प्रभावित करती है। यहाँ पे दिया है कि पुनर्जागरण युग के इस उच्चरित रूप के प्रभाव को कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है, यानी उच्चरित माध्यम क्या हो सकता है कि आपको पूछ ले उच्चरित भाषा क्या है और उदाहरण देकर समझाइए, तो फिर आप यही समझाएंगे। वर्तनी के स्तर पर मुसलमान, मुसलमान जबकि मुसलमान होता है, कल युग जबकि कलयुग होता है, तो बर्तनी हो गई, तजर्बा सॉरी तजरीबा यानी तजुर्बा, ठीक है ना, मद्रास यानी मद्रास, पहिरावा पहनावा, तो इन्हें दो चार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। भाफ जबकि भाप होता है। फिर उच्चरित क्रिया में कहाए यानी कहे गए, पूछे गए यानी पूछेंगे, ठीक है ना, जान पड़ते देख पड़ते यानी जान पड़ते को देख पड़ते हैं, दिखाई पड़ते दिलाया चाहते हैं दिलाना चाहते हैं, और अन्य प्रयोग भी होते हैं, तिस पर भी यानी उस पर भी, पाषाण की नाई पाषाण की तरह, पलुए जीव जंतु यानी पालतू जीव जंतु, इस बेर यानी इस बार। तो इस प्रकार लिखित और उच्चरित भाषा के संबंध में कहा जा सकता है कि बोलचाल की भाषा की एक खास तरह की संरचना होती है, और लिखने में उच्चरित भाषा के रूपों का संप्रेषण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। अब बोलचाल की भाषा स्पीच यानी गतिशील वैधिक पूर्ण और अस्थायी होती है। उच्चरित भाषा का रूप कार्य है वक्ता श्रोता की उपस्थिति में वार्तालाप संपन्न करना, और बोलते समय हमारे मन में श्रोता या श्रोतावर्ग विद्यमान रहता है। लिखित भाषा रूपों की प्रकृति से भिन्न है, यह स्थिर स्थायी और एक रूपी होती है, और लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति लेखक अपने पाठक से दूर होता है, और उसमें संदेह नहीं कि लिखित और उच्चरित दोनों भाषा का रूप मानव समाज के संप्रेषण व्यापार में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो यहाँ पे अंतर एक तरह से हो गया, और भी अंतर आपको मिल गया कि जो स्पीच यानी उच्चरित भाषा होती है वो गतिशील और अस्थायी होती है, ठीक है, और उच्चरित भाषा का रूप का कार्य वक्ता श्रोता की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना, और बोलते समय श्रोता हमारे सामने होता है। लिखित भाषा में इसकी प्रकृति जो होती है इससे भिन्न होती है, स्थिर स्थायी और एक रूपी होती है, जबकि एक गतिशील होती है, उच्चरित भाषा अस्थायी होती है, और जो लिखित भाषा होती है वो स्थिर और स्थायी होती है, ठीक है ना। लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति लेखक अपने पाठक से दूर होता है, और जबकि उच्चरित भाषा में क्या होता है, उच्चरित भाषा में वो पाठक के पास होता है। मैं इसको हटा दी, मैंने दो ऊपर आपको मैंने अंतर बताए थे, ठीक है ना। अब दो अंतर यहाँ पे देख लीजिए, पहला कि उच्चरित जो भाषा होती है गतिशील और अस्थायी होती है, ठीक है, और पहला अंतर हो गया, और जस्ट अपोजिट इसका लिखित भाषा का होगा कि लिखित भाषा रूपों की प्रकृति इससे भिन्न होती है, यह स्थिर स्थायी और एक रूप होती है, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा उच्च यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं
कि उच्चरित भाषा रूप का कार्य है, वक्ता श्रोता की उपस्थिति में वार्तालाप संपन्न होती है, यानी सुनने वाला सामने होगा तभी तो हम बोलेंगे ना, ठीक है ना। और लिखित भाषा में क्या होता है कि लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति लेखक अपने पाठक से दूर होता, जरूरी नहीं कि हम लिख रहे हैं तो आप हमारे सामने ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं। ओके, इसमें एक और चीज भी कह सकते हैं कि एक और वक्ता लेखक होता है जो संदेश भेजता है, यानी कि लिखित भाषा में एक वक्ता होता है और एक लेखक होता है जो संदेश भेजता है, और दूसरी तरफ उच्चरित भाषा में श्रोता पाठक रहता है जो संदेश को ग्रहण करता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच संदेश का आदान प्रदान को संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है, जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। ओके, ये भी पढ़ चुके हैं, वक्ता श्रोता संदर्भ संदेश कोड सभी चीजें, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। अब इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या क्या इनमें क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब ऐसा कि हमने देखा, अभी देखा ना कि लिखित भाषा की प्रकृति स्थायी होती है, उच्चरित भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है। और अस्थायी का मतलब यहाँ पे कि जिस विषय पर कुछ भी लिख दिया जाता है वह एक दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि वह लिखित होता है, ठीक है ना। तो अस्थायी होने का, सॉरी स्थायी होने का तात्पर, लिखित मतलब लिख गया तो लिख गया, और इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमें ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं, ठीक है ना, लिखे हुए शिलालेख मिलते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि लेखन संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है लिखित, और विस्तार से ही शक्ति संपन्न बनाता है, और हम इसका बार बार वाचन कर सकते हैं। ये देखिए विशेषताएं हैं, 1000-2000 साल पहले की लिखित सामग्री को हम सुरक्षित रख पाते हैं, और इसके विपरीत वाक् संप्रेषण है, उच्चरित भाषा का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, मौखिक संप्रेषण मात्र कान तक की सीमा तक हो सकता है, बिना किसी उपकरण के मानव स्वर बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता है, जबकि लिखित संदेश भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके दूर दूर तक पहुंच सकता है। चलिए अब इसे एक एक करके इसको टॉपिक में बदल देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पहली विशेषता यहां से ले लेते हैं। पहली विशेषता लिखित भाषा क्या होती है, अब प्रकृति में स्थायी होती है, और उच्चरित भाषा अस्थायी होती है, ठीक है, पहला। दूसरा आप विशेषता ले लीजिए स्थायी, यानी कि यहाँ पर लिखित भाषा जो होती है, जो कुछ भी एक बार इसमें लिख दिया जाता है तो एक दस्तावेज बन जाता है, ठीक है ना, राइट। ये दूसरी विशेषता इसकी हो गई। तीसरी विशेषता क्या है, जो लिखित भाषा को जो विस्तार मिलता है उसे शक्ति संपन्न बनाता है, और इसका हम बार बार वाचन कर सकते हैं। अब ले लेते हैं उच्चरित में, उच्चरित का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। लिखित का विस्तार होता है, ज्यादा फैला हुआ होता है, उच्चरित का सीमित होता है। ये मौखिक संप्रेषण मात्र कान तक ही सीमित रहता है। भाई हम बोलेंगे तो जब सामने सुनने वाला बंदा होगा और जितनी दूर तक हमारी आवाज जाएगी सिर्फ उतना ही सुन पाएगा, ठीक है। बहुत दूर तक के लिए उपकरण की जरूरत पड़ती है, बिना उपकरण के हम अपनी आवाज को नहीं पहचान सकते हैं। और जबकि लिखित संदेश भौगोलिक सीमाओं तक अतिक्रमण करके दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, और जो उच्चरित भाषा मौखिक भाषा होती है तो उसको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमें उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे विशेषताएं आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था जिसके अंतर सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेखन एक सुविचारित पद्धति है, इसकी संरचना अधिक सुगठित मानकीकृत और एकरूपता लिए हुए होती है, और इस प्रकार संरचनागत गठन बोलचाल की भाषा में प्राय नहीं होता है, ठीक है। तो मौखिक और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना संभव हो जाती है जब लिखित संदेश देना संभव हुआ, संदेश वाहक की मध्यस्थता समाप्त होने लगती है, और मौखिक संप्रेषण पूर्णतः संदेश वाहक पर निर्भर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इनकी विशेषताएं, ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं आपको लिखने के लिए आ सकता है, और ज्यादा के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, राइट, उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से विशेषताएं पूछ सकता है, उचित भाषा के प्रकार यानी कार्य क्या है, जिसको भी उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकार तो नहीं देख सकते, लक्षण क्या हो सकते हैं तो ये भी छोड़ देते हैं हम अभी, ठीक है ना। ओके, जैसे लक्षण उच्चरित भाषा के ये लीजिए, यानी उच्चरित भाषा की सामाजिक उपाधिता के आधार पर लक्षण क्या क्या होते हैं, तो
तो पहला लक्षण इसका क्या होता है कि उच्चरित भाषा एक वैकल्पिक यथार्थ यानी भाषा समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। उच्चरित भाषा का भाषा प्रकार और प्रयोग क्षेत्र के विस्तार के कारण उच्चरित भाषा विषम रूपी होती है। उच्चरित भाषा से ही लिखित भाषा जन्म लेती है। उच्चरित भाषा में कोड मिश्रण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ठीक है ना। और उच्चरित भाषा समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती है, बल्कि लिखित भाषा को ही प्रतिष्ठा मिलती है। उच्चरित भाषा का प्रयोग आत्मीयता का द्योतक होता है। उच्चरित भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भों में होता है। उच्चरित भाषा में विकल्पन लिखित भाषा की तुलना में अधिक होता है। उच्चरित भाषा को व्यक्ति अपने परिवेश से स्वतः सीखता है। उच्चरित भाषा ही व्यक्ति के समाजीकरण का माध्यम होती है। अब लिखित भाषा के क्या प्रकार हैं, यानी क्या क्या कार्य हैं, देखिए तो लिखित भाषा के कार्य में स्मृति में सहायक होती, जो भी आपने हमने बताया कि महाकाव्य वगैरह हमारे जो लिखे गए हैं, तो हमें कैसे पता चला, आज हमें वो मिल रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमारे स्मृति में सहायक होती है। जब स्मृति में हमारी कोई चीजें जुड़ जाती है यादों में, तो उनको हम लिख सकते हैं। संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार होता है, यानी मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है ना। प्रसारण का माध्यम होता है, तो यहाँ पे लेखन का यह प्रकार संदेश को भेजने वालों से दूर पहुंचाने में समर्थ बनाता है। तो लिखित संदेश उच्चरित संदेश की तरह उसी तरह प्रेषित करना जरूरी नहीं होता है, इसे बाद में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लिख के रख लीजिए और बाद में भेज दीजिए, ठीक है ना। सामाजिक नियंत्रण होता है, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसमें व्यवहारिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यदि आप सरकारी कार्यालयों के कामकाज को देखें, तो आपको यह मुझे लिखित रूप में दीजिए जैसी अभिव्यक्तियां प्रयोग में मिलेंगी, और यह तथ्य प्रमाणित होता है कि लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं, ठीक है ना। राइट, तो क्या हो गया, ये सामाजिक नियंत्रण हो गया, प्रतिक्रिया हो गई, यानी भाषाई संप्रेषण को वाक की सीमाओं से स्वतंत्र करते हुए लेखन ने एक नई प्रकार की प्रतिक्रिया निर्मित की है। उदाहरण के लिए पत्र और वसीयतें एक निर्धारित व्यक्ति के लिए होती हैं, और उसमें निहित संदेश उस व्यक्ति विशेष को और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो 4-5 20 इसके प्रकार लिख लेंगे, किसके लेखन लिखित के तो हो जाएगा। बोलचाल की भाषा लिपिकन, अच्छा लिप सॉरी लिप्यंकन, लिप्यंकन क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते, ठीक है। देखिए बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। किस समय और ज्यादा क्लियर हो जाता है, जब बोलचाल की भाषा यानी कि मौखिक भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का यानी लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है। यानी उच्चरित भाषा की तमाम जितनी ध्वनात्मक विशेषताएं होती हैं, उनको लिपिबद्ध करना संभव कार्य होता है। तो उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन में शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम लिप्यंकन का मतलब बोलने का, ठीक है, तो उन्हें लिपिबद्ध करने का, तो हम उन्हें लिपिबद्ध नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिपिबद्ध करना असंभव होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको बोल के कर सकते, लिख सकते हैं, लिख के, सॉरी, है ना। तो उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिनको लेखन में शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। तो नाटक, कहानी, उपन्यास को देखा होगा, उच्चरित भाषा की इन चेष्टाओं को रोते हुए आया वह जोर से हंसने लगा के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सभी क्रियाओं या चेष्टाओं को किस किस प्रकार की ध्वनात्मक विशेषताएं निहित होती है और उन्हें लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई रोता है, कैसे रोता है, ठीक है ना, धीरे धीरे जोर जोर से चीख कर, हिचकियां लेकर, सुबक सुबक कर, तो इसमें हम मौखिक भाषा तो सुन सकते हैं, लेकिन इन लेखन के माध्यम से व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, लिखेंगे तभी तो पढ़ने वाला जानेगा, ठीक है ना। तो जिसका संबंध एक और हमारी शारीरिक मानसिक अनुक्रिया के साथ जुड़ा होता है, जैसे रोने से आंसू आना, चेहरा पीला पड़ना, आंख सूजना, नाक लाल होना, और दूसरा इनका संबंध उच्चारण पक्ष से जुड़ा होता है, रोने के समय तरह तरह की आवाजों के साथ धीमे तेज गति से रोना, ठीक है ना। तो सृजनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के लिए लेखक अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि उच्चरित भाषा की अधिकांश विशेषताओं को जहां तक संभव हो सके लिखित भाषा में क्या करें, वो व्यक्त कर सके, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, लिप्यंकन समझ में आ गया, यानी उच्चरित भाषा की जो ध्वनात्मक विशेषताएं होती हैं उनको लिपिबद्ध करना असंभव होता है, ठीक है ना। तो उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन के शब्दों में लिख कर ही व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, लिप्यंकन कहलाता है। चलिए, घबरा कर झल्ला उठे, ठीक है ना, घबरा कर झल्ला उठे, ये वर्ड हो गया। फिर इसी तरह से गिड़गिड़ा कर बोले,
स्वर को मीठा बनाते हुए बोले, अरे जियो भैया, तुनक्कर कहा जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। ये कुछ ऐसे बर्ड होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अंग्रेजी भाषा में अनेक प्रकार के व्यक्तियों को प्राय तिरछी लिखा या इटैलिक्स में लिखकर व्यक्त किया जाता है, और हिंदी में भी आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी। तो किसी शब्द अभिव्यक्त या कथन की विशिष्टता व्यक्त करने के लिए, उसे महत्व देने के लिए इन्हें ये जो डैश ये जो लगाया जाता है, के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव। लिखित भाषा पर, अच्छा, लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव तो देखिए ज्यादा पड़ता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है ना। वर्णात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग, ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वर्तनी में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ओके, मोड़े गाढ़े मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा, लिखित और उच्चारित भाषा क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके अंतर क्या होते हैं, और साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनके प्रकार, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कौन सी नेक्स्ट यूनिट, यानी कि यूनिट 3, आंगिक भाषा और संप्रेषण, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और कहाँ से कैसे है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, तो उससे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।